कल कौन सा क्वेश्चन हुआ था? हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे हम। पढ़ो तुम क्वेश्चन नंबर थ्री। कहाँ छोटी? हाँ, सप्ताह भर से गायब थी। कहाँ गई थी? तो ट्यूशन क्यों नहीं आती थी? दो चार दिन से गायब थी तुम, तो क्यों नहीं आई थी? दो दिन। अच्छा, इन्फेक्शन हो गया था होली की वजह से। अच्छा अच्छा बेटा, क्या बोलूँ मैं तुमको इस बात पे। इस बात के लिए मुझे तुम्हें नहीं डांटना चाहिए, तुम्हारे पप्पा मम्मी को डांटना चाहिए। लेके आओ एक दिन, रहने दो। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या ही डांटना तुमको, है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। लेट्स प्ले होली हो गया ढोकली। एक तो होली खेलेंगे और उसके बाद ये अब ऊपर जो भी है भैया छुप गया है, कैश एट बैंक दिया हुआ है भाई। कौन से डेट का है रही है? हटा देता हूँ, 1/4/2016 का है को ये। और भी सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करते हैं ये। और ये एसेट है, कैश एसेट होता है मालूम तुमको। कैश इन हैंड है, स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो लास्ट के दोनों क्या है, लायबिलिटी है कि नहीं है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और बाकी सब क्या है? एसेट है। तो हम एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर सकते कि नहीं कर सकते? तो उसको हम वहाँ से हमें क्या पता चलेगा? ओपनिंग कैपिटल। बराबर है कि नहीं है? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि बोला है ना ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, ऐसा उन्होंने बोला है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बनाना है, ठीक है? तो ओपनिंग ये 1/4/2016 का जो भी बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग है, और 31/3/2017 का जो बैलेंस दिया हुआ है वो सब क्या रहेगा? क्लोजिंग रहेगा। उस दिन के भी बेटा सारे कैश और ये स्टॉक डेटर्स प्लांट मशीनरी बिल्स पेबल ये सब चीज़ की वैल्यू दिया हुआ है, असेट और लायबिलिटी। तो हम वो फॉर्मेट जो है हमारा, एक तो वो फॉर्मेट में डालेंगे डिटेल। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने घर से करके आना चाहिए था। किया था क्या ट्राई? नहीं, तुम घर पे तुम पढ़ाई नहीं करते बोले सर हमको पढ़ने क्या। हाँ मत करो पढ़ाई में, वो क्या है? ओपनिंग, अरे स्टॉक नहीं ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है? एज ऑन 1 April 2016 ये बनाना है। तो एक साइड में एसेट लिखेंगे, एक साइड में लायबिलिटी लिखेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैपिटल। तो मुझे एक एक आइटम बताते जाओ। पहला क्या है बेटा? कैश एट बैंक कितना अमाउंट है जी? 4000 है। दूसरा कैश इन हैंड कितना है? 1000। और बताओ कितना है? और बताओ सन्ड्री डेटर्स कितना है? 8000। और बताओ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 7000। और बताओ बिल्स रिसीवेबल
कितना है? 2600। और बताओ क्रेडिटर्स, इधर नहीं लिखना है, क्रेडिटर्स इधर लिखेंगे, कितना है? 3500। और बताओ बिल्स पेएबल, 4000। करेक्ट है ना? तो इसका टोटल कर लेंगे हम इधर साइड में, तो क्या आइए बराबर है नहीं पिक्चर में से। इसका टोटल मारने आता ना, देखो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26, 26 और 2 28, तो 28,000 हो गया एक तो भैया। और उसके बाद 4 5 900, 9 और 6 1500, तो 29,500 बराबर है क्या ये? और एक बहुत सारा लिख दिया मैंने, उसमें से माइनस कर दो 7500, 7500 हो गया बेटा माइनस, तो ये 0 0 0, 9 में से 7 गया 2, कितना आ गया? 22000। तो 22000 क्या आ गया? कैपिटल। ये क्या क्या है? बैलेंसिंग फिगर है क्या ये? क्योंकि ये दिया हुआ नहीं था, ये हमने निकाला है। समझ में आया क्या कि नहीं समझा? अब वैसे हम क्या निकालेंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बराबर है? एज ऑन 31st March 2017, ठीक है? एक एक चीजें लिखवाते जाओ, लिखाओ भाई। कैश एट बैंक कितना है? 3900। और कैश इन हैंड कितना है? 2000। और बताओ स्टॉक 9000। और सन्ड्री डेटर्स 7500। और प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 7500। और बिल्स पेएबल, अरे बिल्स पेएबल इधर नहीं आएगा ना जी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 3400। अब इधर क्रेडिटर्स कितना है भाई? 1500। और बिल्स पेएबल, बिल्स पेबल हो गया 2200 बराबर है। इसका टोटल करना पड़ेगा, तो 3 2 5 9 5 14 14 और 7 21 21 और 7 28 और 3 31, तो ये 31000 हो गया। उसके बाद 9 9 5 14 14 5 19 और 4 2300, तो ये हो गया बेटा 33300 बराबर है। तो ये टोटल हो गया 33300। इसमें से ये 2500 रुपये हो गए, माइनस कर दो बेटा, बराबर है 3700। हाँ तो ये बेटा 0 0 13 में से 7 गया 6 12 में से 3 गया 9, और ये हो जाएगा 29600। तो ये हो गया 29600, ये क्या आया? कैपिटल। तो ये आया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? इसका टोटल भी कितना आएगा? 33300। यहाँ तक डाउट तो पूछो। उसके बाद हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? तो अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2017, तो इसका फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ नहीं है, इसका ऐसे ही रहता है, ठीक है? चलो तो पहला रहेगा क्लोजिंग कैपिटल, क्या रहेगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाले अभी, क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाले हमने?
29,600, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे 29,600, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, कितना दिए निकाले हमने ओपनिंग कैपिटल 22,000, कितना निकाले 22,000। लेकिन कुछ भी ड्राइंग और उसका एडजस्टमेंट है तो अपने को करना पड़ेगा, तो पहले देख लेते ड्राइंग और कैपिटल, एडिशनल कैपिटल का कुछ है क्या एडजस्टमेंट। तो चलो क्लोजिंग कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं। अब पढ़ो आगे, ड्यूरिंग द ईयर अंजलि इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 1500, 1500 रुपये और लगाया गया था अंजलि द्वारा पैसा, और उन्होंने 700 पर मंथ पर्सनल यूज के लिए खर्चा की रही है। 700 पर मंथ मतलब कितना होता है 8,400 पर ईयर, है कि नहीं है, ऐसा हो गया। तो कैपिटल कितना लगाया है 1500, निकाला कितना 8,400, डिप्रिसिएशन कितना लगाना है 5%, और आरईडीटी कितना बनाना है 5%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होता है कि बढ़ता है, कम होता है तो लेस करेंगे, आरईडीटी से प्रॉफिट कम होता है लेस करेंगे, और ये तो जो कैपिटल लगाया वो लेस होता है, जो ड्राइंग किया वो ऐड होता है। तो भैया ये करना है हमें, चलो इधर देखो ये 29,600, इधर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है 8,400, 700 पर मंथ है पर इंटू 12 करेंगे तो 8,400 आएगा, और उसमें माइनस क्या करेंगे एडिशनल कैपिटल, कितना है 1500, तो ये लेस होगा वो ऐड होगा, तो ये कितना आ रहा है देखो, ये हो गया तुम्हारा 2908 हो गया 37, 38,000 रुपये, 38,000 में से 1500 माइनस कर दो तो 36,500, समझे गए ये, इसको ऐड किए पहले 38,000 हो गया, फिर लेस किए तो क्या हो गया 36,500, इसमें से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना है 22,000 हमने निकाले ना, तो ये माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा बेटा 14,500, बराबर है, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब इसके बाद इसमें क्या करना है हमें, लेस, लेस क्या क्या करना है, तो पहला है डिप्रिसिएशन, बराबर है, डिप्रिसिएशन कितना है बेटा, और प्लांट मशीनरी की वैल्यू कितनी है, ओपनिंग भी 7,500 था, क्लोजिंग भी 7,500 है, तो कुछ भी एडिशन हुआ है क्या, नहीं, तो हमें 7,500 का 5% निकालना है, बराबर है, तो 750 का आधा है क्या, नहीं 3,375, कहना क्या चाहता है 3,375 ऐसा बोलो ना, सिर्फ 375 रुपये बेटा यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद आरडीडी कितना लगाने है 5%, तो डेटर्स कितना है, डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स देखते जाओ 7,500, मैं भी देख लेता हूँ, हाँ 7,500 है, तो फिर से उतना ही आएगा 7,500 का 5%, तो ये कितना आएगा 375, मतलब टोटल कितना आ गया ये 750, तो ये 750 हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो 500 गया 250 और गया तो 13,750, यहाँ आएगा 13,750, तो ये हो गया नेट प्रॉफिट, क्या हो गया नेट प्रॉफिट। बस लास्ट वाले क्वेश्चन से आसान था, ये ख़त्म हो गया, इतना करना था ये था, तुमने डाउट तो पूछे, क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। ये था हमारा क्वेश्चन क्रमांक 3।
जो कि खत्म हो गया है। नहीं है कोई डाउट, आगे बढ़े। फॉर्मेट किताब में कैसा, एक साथ रहता है क्या? ड्राइंग कैपिटल तो अलग ही करना पड़ता है ना पहले, एक साथ ना? यहाँ पे तुम्हारे इलस्ट्रेशन में कहीं पे है क्या वैसा एक साथ? फिर काय को ज़्यादा बुद्धि लगाने की, लिख सकते हैं पर लिखना नहीं है। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला अलग अलग बनाने का, अलग अलग बनाना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर करके वर्ड यूज कर सकते तुम, और एक अप्रैल का जो है एक अप्रैल के कॉलम में लिख दो, 31 मार्च वाला 31 मार्च के कॉलम में लिख दो, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझदारी के लिए लिख सकते हैं, हाँ तो तुम लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम प्रैक्टिस करने के लिए तो लिख ही लो, काय को दो दो बार बनाने की है कि नहीं है? अभी कौन सा एग्जाम में लिखना है तो प्रैक्टिस करने के लिए लिखो, मैंने कभी मना नहीं किया, मैं अलग से बना के दिया। कोई डाउट नहीं है, हम कुछ अगले क्वेश्चन में देख लेता हूँ। और ये देख लो, इसमें सब वही दिया हुआ है, ये असेट है, असेट है, असेट है, असेट है, असेट है, असेट है, एसेट है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, ये एसेट है, समझे? तो दो लायबिलिटी है, बाकी सारे एसेट है। तो ये तुमको ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल जमेगा निकालना, मैं नहीं करके दे रहा है वो वाला। हाँ, ओपनिंग स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस्ड है, क्या करूँगे इसको लेस, इंट्रोड्यूस किया, लॉजिक क्या है, इंट्रोड्यूस किया मतलब कैपिटल उतने से बढ़ गया, तो वो प्रॉफिट से बढ़ा क्या? नहीं, हम कहाँ निकाल रहे हैं प्रॉफिट, तो वो यदि उसमें रहा तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, जबकि प्रॉफिट नहीं था वो, वो किसके कारण बढ़ा? हमने कैपिटल लगाया इसके कारण बढ़ा, तो करके वो कैपिटल क्या करना है? माइनस। ड्रॉइंग का लॉजिक क्या था? कि ड्रॉइंग कर लिया मतलब क्लोजिंग कैपिटल उतने से कम हो गया है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हमारा कम दिखेगा, जबकि प्रॉफिट कम नहीं है, प्रॉफिट तो ज़्यादा रहा होगा, वो तो ड्राइंग कर लिया करके कैपिटल क्या हो गया? कम। तो ड्राइंग आप ऐड करो ताकि हम सही कैपिटल निकाल सके, तो ड्राइंग ऐड करना और कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस, इंट्रोड्यूस माइनस करना है। और इसका लॉजिक नहीं समझे तो टाइमलाइन बनाते जाना, तुमको कभी कन्फ्यूजन हो तो उसमें समझेगा कि शुरू में इतना था, इतना लगाया तो इतना होना चाहिए था, इतना है तो प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली। तुम्हारा ये पढ़ाई का पर्पज़ क्या है? तुम्हारा दिमाग बढ़े, और खर्च ही नहीं करोगे तो कैसे बढ़ेगा? इतना इंट्रोड्यूस किया, 40,000 उन्होंने अपने डॉटर के मैरिज पे खर्चा कर दिया, तो वो ड्राइंग्स है, वो कहाँ खर्चा करना है उनका लुकआउट है, उन्होंने 40,000 रुपये निकाला, वो ड्राइंग हो गया। वो डॉटर के मैरिज पर खर्चा करे कि डॉटर के एजुकेशन पर खर्चा करे कि घर के लिए खर्चा करे कि पार्टी करे, समझ में आया, कि होली खेले, कुछ भी करे, तो कुछ भी करेंगे तो जो उसको क्या बोलना है, हमें ड्राइंग ही बोलना है। ये दोनों क्या करेंगे? लेस करेंगे। होमवर्क बिल्कुल करके नहीं दूंगा क्वेश्चन ये वाला मैं, कहाँ उसने अमाउंट लिख दिया 6,000 खत्म, किधर माइनस करना है? बैलेंस शीट बनाने बोला क्या? तो काय को माइनस प्लस कर रहे हैं, कहाँ हम बैलेंस शीट बना रहे क्या? मेरे को देखा क्या डेटर से माइनस करते हुए? यहाँ बैलेंस शीट नहीं बना रहे तुम, हर जगह ना ऐसा दिमाग मत लगाते जब उधर से भी माइनस करना है। बैलेंस शीट बनाने बोला होता तो हमें माइनस करना पड़ता था क्लोजिंग से, यहाँ बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या? नहीं, यहाँ सिर्फ उसका एक इफेक्ट बता रहा है, प्रॉफिट लॉस में क्या होगा, प्रॉफिट लॉस में लेस होगा, डिप्रिसिएशन भी लेस होगा और बैड डेट भी लेस होगा, करेक्ट है? हाँ, तो ये दिस इज कम्प्लीटली होमवर्क बेटा। मैंने ये जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड था वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो ये क्वेश्चन करके आना रहेगा तुमको, होम और वर्क है ये। मैं आगे का भी होमवर्क दिए देता हूँ, मैं ऊपर का नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ लेना। फिर से देखो, डेटर्स क्या है? असेट है। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है। प्लांट मशीनरी भी एसेट है। क्रेडिटर्स भी एसेट है। स्टॉक भी एसेट है। कैश एट बैंक भी एसेट है। तो एक ही लायबिलिटी है, वो है बिल्स पेएबल। उनको सबसे लेना देना है ही नहीं, उनका कहना है तुम निकाल लो, मेन तो नीचे है बोले। तो अगेन ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालने जमेगा। उसके बाद तुम अब एडजस्टमेंट देखो, उन्होंने 2000 पर मंथ फर्स्ट हाफ में कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ? 2000 पर मंथ।
फर्स्ट हाफ मतलब होता है 6 महीना मतलब कि, और 1,000 पर मंथ फॉर द सेकेंड हाफ, बिजनेस अकाउंट से उन्होंने कहाँ ट्रांसफ़र किया, पर्सनल अकाउंट में। तो पहला 6 महीने 2,000 मतलब 12,000, बाद के 6 महीने 1,000 मतलब 6,000, 12 और 6 कितना हो गया 18,000, ये क्या हो गई ड्राइंग्स, समझा। एक महीने की ड्राइंग नहीं लेना है हमें, साल भर की ड्राइंग लेना है। एक महीने यदि 2,000 निकाल रहे हैं तो 6 महीने में कितना निकाले होंगे 12,000, वैसे ही आगे के 6 महीने में उन्होंने कितना निकाले 1,000 पर मंथ, तो 6 महीने में कितना निकाले होंगे 6,000। तो फर्स्ट हाफ का 12,000, नेक्स्ट हाफ का 6,000, टोटल पैसा उन्होंने 18,000 रुपये निकाला। तो दैट इज ड्राइंग बेटा। शी सोल्ड हर प्राइवेट एसेट फॉर 40,000 एंड ब्रॉट द प्रोसीड इन टू हर बिजनेस, उन्होंने कुछ उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी रहा होगा उसको बेच दिया 40,000 में, और 40,000 पैसा उन्होंने कहाँ लगाया बिजनेस में, तो वो क्या हो गया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो ये लेस होगा ऊपर वाला ऐड होगा। सी ऑल्सो टूक गुड्स वर्थ रुपी 12,000 फॉर प्राइवेट यूज, उन्होंने 12,000 का गुड्स पर्सनल के लिए लेके गए, तो ये भी क्या है ड्रॉइंग है, ये क्या है ड्रॉइंग है, बिजनेस का गुड्स उन्होंने पर्सनल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो 18,000 वो वाली ड्रॉइंग प्लस 12,000 ये वाली ड्रॉइंग, तो 18 और 12 कितना हो गया 30,000 की ड्रॉइंग हो गई, 40,000 की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया, बाद का दो तुमको बताने की जरूरत नहीं है, समझा। तो होमवर्क मैं नहीं करके दूंगा, तुम बस मेरे से चेक करवा सकते हो कि सर ये सही है कि गलत है, मतलब मैं दोबारा खुद से चेक भी नहीं करूंगा, इतना ध्यान में रखो। तुमको यदि तुमने सॉल्व किया, तुमको लगता है कि वो चेक कराना है, तो तुम मेरे सामने लेके आ जाना चेक कराने, मैं चेक कर दूंगा। मैं ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दूंगा, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जैसा है सेम टू सेम चौथा और पाँचवा है, तुमको ड्रॉइंग कैलकुलेट करने मैंने ऑलरेडी बता दिया, कैपिटल कैलकुलेट करना ऑलरेडी बता दिया, फिर भी कन्फ्यूजन रहे तो यू कैन आस्क। मैं ये चौथा पांचवा क्वेश्चन रिपीट सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दिया है 31 मार्च 2018 का, और इन्होंने कैपिटल बैलेंस कितना निकाला है 38,500, ठीक है, कैपिटल बैलेंस कितना है 38,500 है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि उनका कहना है कि 31 मार्च 2018 को, बेटा ये क्या है 31 मार्च 2018 ही है, और वो क्या बोल रहे हैं 31 मार्च 2018 को ये असेट ऐसे थे, प्लांट मशीनरी इतना है, अभी कितना है वो गलत लिखा है उन्होंने, ये 31 मार्च 2019 हो जाएगा, एक मिनट रुको, स्टॉक इतना, कैश इतना, क्रेडिटर्स इतना, डेटर्स इतना, बिल्स पेबल इतना, ये गलत लिखे है उन्होंने। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 5 तो प्लांट मशीनरी वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 5% पर एनम एंड द स्टॉक वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%, ठीक है, अब ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन है तो क्वेश्चन तो मेरे कुछ करना है, तो ये क्वेश्चन मैं करके दूंगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मैं करूंगा, तुमको नहीं करना है। सुहास कमेंस बिजनेस विद कैपिटल, हिज फाइनेंशियल पोजिशन वॉज एज फॉलोज, 31 मार्च 2018 की पोजिशन दे दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, ये भी मैं कर दूंगा, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है। ड्यूरिंग द ईयर ईयर वी 24 प्राइवेट प्रॉपर्टी गुड्स फॉर 3,000 ऑन हाउस होल्ड ऑन 1st October 2000 ही सोल्ड हिज हाउस होल्ड फर्नीचर 4,000 डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, ये तुमको करना है, समझे क्या, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, क्योंकि बिजनेस में लगाया तो एडिशनल कैपिटल, समझ में आया, तो ये तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बस इतना ध्यान में रखना कि जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10%, तो देखो प्लांट मशीनरी की वैल्यू कितनी है 1,10,000 है, बराबर है कि नहीं है, और डिप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे लगाना है 10%, लेकिन देखोगे यदि तुम ढंग से पर देखोगे तो 90,000 का प्लांट मशीनरी था और अभी कितना हो गया 1,10,000, इसका मतलब हमने 20,000 की मशीन खरीदे, तो 90,000 तो ओपनिंग बैलेंस है, तो 90,000 पे तो 10% 9,000 हो गया, लेकिन ये जो 20,000 कब खरीदे, तो वो उसने बोला कि 20,000 का मशीन कब खरीदा है 1 अक्टूबर को खरीदा है, मतलब उसके सिर्फ 20,000 पे कितने महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का, समझे क्या, मतलब 1,10,000 पे पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं है, 90,000 पे अलग डिप्रिसिएशन और 20,000 पे अलग डिप्रिसिएशन, इतना ही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, फर्नीचर के ऊपर कुछ नहीं, पूरा 5% करना है, बराबर है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क है। पीटर बाबू ने क्या कर लिया,
ये अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन है, बाद में होमवर्क दूंगा मैं, ये भी थोड़ा अलग है। तो बस कुल मिला के 3 क्वेश्चन है जो मुझे करना है, जिसमें से एक अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन वाला मैं करूँगा, एक ऑटोमेटिकली होमवर्क हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 10 मैं करके दूंगा। तो कुल मिला के अब 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और तुम्हारे जो डाउट्स रहेंगे वो तो हो जाता अपने 31 मार्च तक, नहीं होता? हो जाता। आज के लिए इतना ही।